यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप ट्वेल्थ पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें द स्टडी नॉलेज डॉट कॉम, वहां पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो में आपको विषय है भौतिक विज्ञान का, जो कि कक्षा 12 वालों के लिए है। अध्याय 3 यानी संधारित्र एवं धारिता का भाग नंबर 5 आज आपको हम बताएंगे। इसके पहले हमने 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, जो देख लिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है ये क्या है। तो आज का टॉपिक है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ठीक है, तो जो संधारित्र की धारिता होती है उस पर परावैद्युत का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं। माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के बीच दूरी जो है वो क्या है, डी है। संधारित्र की प्लेट पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, तब इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तब ये सब कंडीशन बनता है तो इसके ऊपर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी आपका, ये हो जाएगा आपका E। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं E0। ठीक है, E0 इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन 0, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की, ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने आपको पिछले वीडियो में यानी इसके पहले बता चुके हम आपको कि रो इज इक्वल टू, देखिए पृष्ठ घनत्व होता है तो ये होता है रो इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये होता है, तो इसकी जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा आपका E0 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर रखेंगे क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए, और ये क्या है एप्साइलन 0, तो हो जाएगा एप्साइलन 0। समझ में आ रही बात, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो इतना नोट करिए। चलिए अब आगे देखिए, यदि दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर भी हो, मतलब भी जीरो, हम लिख देते हैं यदि, ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, यदि दोनों प्लेट के बीच का जो विभवांतर है उसको हम भी जीरो ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिए तब क्या हो जाएगा, भी जीरो है तो क्या आएगा, एक फॉर्मूला और हो जाएगा आपका E0 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू भी जीरो अपॉन डी। ठीक है, अब ये कहां से है जरा ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र होता है E इज इक्वल टू भी अपॉन डी, तो अगर हम इसमें वैद्युत क्षेत्र को हम लिए E0 तो इसको लिए विभव को लिए भी जीरो, तो हो जाएगा E0 इज इक्वल टू भी जीरो अपॉन डी, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, अगर हमको भी निकालना है इसमें तो हम भी जीरो इज इक्वल टू E0 इंटू डी, ये मिलेगा, बीच में गुणा है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, भी जीरो इज इक्वल टू आपका E0 का जो वैल्यू है यहां पे दिया गया है, तो ये वाला वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेते हैं E0 की जगह पे, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू एप्साइलन 0, ये हो गया E0 का वैल्यू, इंटू डी है तो हो जाएगा डी, समझिएगा बात को ध्यान से। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो है डी का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा क्या, मिलेगा हमको भी जीरो इज इक्वल टू
क्यू डी अपॉन ए इंटू एप्साइलन जीरो, इतना मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, उसके आगे हम कहेंगे माना कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र के प्लेटों के बीच पूरे स्थान में भरे माध्यम का परावैद्युतांक के है। कहने का मतलब कि जो संधारित्र है की प्लेट है उसके बीच में पूरे स्थान पर, सभी स्थान पर भरा गया जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक क्या है, के मान लिए हम, ठीक है। तब परावैद्युत ध्रुवण के कारण परावैद्युत के भीतर नेट वैद्युत क्षेत्र ई का मान घटकर ई जीरो अपॉन के हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल है कि माना संधारित्र की जो प्लेट है उसके बीच में पूरे स्थान पर कोई माध्यम का परावैद्युतांक के है, तब परावैद्युतांक का ध्रुवण, ठीक है, जो परावैद्युत है उसके ध्रुवण के कारण परावैद्युत के भीतर जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वह ई का मान क्या हो जाएगा, घटकर ई जीरो अपॉन के हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है। आगे देखिए, तब हम कह सकते हैं अर्थात ई इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन के, यही बात हो रही है ना, ई का मान ई जीरो अपॉन के हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ई जीरो का मान अभी हम निकाले थे तो क्या था, क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन के हो गया, और क्या था, ए इंटू एप्साइलन जीरो। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू किसका था, अभी हमने निकाला था ई जीरो का था, तो ये रख दिए हैं, तो हो जाएगा आपका ई बराबर ये इतना मिलेगा, ठीक है। अब हम एक बार फिर से यहां पे अप्लाई करेंगे, यदि दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर भी हो, कहने का मतलब एक बार दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर भी जीरो था और अब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हम भी लेते हैं केवल, तो लिखते हैं यदि दोनों, ठीक है, प्लेटों के बीच, ठीक है, विभवांतर भी हो तो, ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर भी हो तो हमारा सूत्र आएगा E इज इक्वल टू भी अपॉन डी, ठीक है, और हमको मिलेगा क्या, भी बराबर ई डी, इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा भी बराबर ईडी। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे, ईडी, तो हम यहां पे वैल्यू रखेंगे, अब किसका, ई का वैल्यू रखेंगे, तो ई का वैल्यू कहां पे है, ई का वैल्यू हमने निकाला है तो एक पूरा वैल्यू ई का है, ठीक है, ई बराबर इतना मिला है तो रखेंगे क्यू अपॉन के इंटू एप्साइलन ए इंटू एप्साइलन जीरो, ये हो गया पूरा ई का मान, और क्या है, इंटू डी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमको जो मिलेगा क्या, भी बराबर क्या रहेगा आपका, भी बराबर क्यू अपॉन के इंटू एप्साइल के इंटू ए इंटू एप्साइलन जीरो, ठीक है, और इंटू डी। तो एक फार्मूला आपका ये निकल गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें एक फार्मूला होता है C बराबर क्यू बराबर क्यू अपॉन भी, ये सूत्र होता है, समझ में आ रही बात। तो अगर C बराबर क्यू अपॉन भी होता है, ये सूत्र होता है, समझिएगा ध्यान से, तो इस पे हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो C बराबर लिखेंगे क्यू है तो क्यू लिख दिए, अपॉन भी है तो भी की जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू हम भी का रखेंगे, तो भी बराबर इतना दिया गया है, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो ये मिलेगा क्यू डी अपॉन, ठीक है, के ए इंटू एप्साइलन जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू से क्यू को काट देंगे यहां से, तो इसको हल करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा आपका क्या, ये हो जाएगा सी बराबर, देखिए ध्यान देखिएगा, सी बराबर, ठीक है, ये डी आपका नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो जगह के
इंटू ए इंटू एप्साइलन जीरो अपॉन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये कैसे हुआ है ये आप समझ सकते हैं, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और क्यों से क्यों कटेगा और डी नीचे ही रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो मिला, अब इसमें सारा का सारा जो वैल्यू दिया गया है, ये सूत्र है तीनों को बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब हम सारा का सारा वैल्यू आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो सी है वो क्या है, सी आपका धारिता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सी है वो हो गया आपका धारिता। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, और जो के है वो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, ये हो गया के। अब ए की बात करें हम, तो ए जो है आपका क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, और एप्साइलन जीरो क्या है ये भी क्लियर कर लीजिए। तो जो एप्साइलन जीरो है वो है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना, और जो आपका डी है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबका वैल्यू पूरा पूरा क्लियर कर लीजिएगा। प्लेटों के बीच की दूरी है आपकी, क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में, तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करिएगा, क्योंकि डिराइवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बता दिया है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रफ पे अपने पेन से अपने से दो बार देख के समझिए और दो बार अपने से करिए, और ये आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए, कोई भी डिराइवेशन होता है उसको पांच बार कंटिन्यू करिए, जिसमें से दो बार आपको देखना है और तीन बार अपने मर्जी से करना है। ऐसा करते हैं अगर तुरंत, तो आपका वो डेराइवेशन हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो एक बार आप अप्लाई करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका हो गया इतना, जो कि हमको निकालना था, क्या निकालना था हमें, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, तो यही प्रभाव होता है। चलिए हम थोड़ा सा कुछ और बेसिक चीजें समझते हैं, तो वो क्या है, आइए समझाते हैं आपको हम। तो एक हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, जरा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग भी है तो इसको समझ लेते हैं, ये भी परिभाषा इसका समझेंगे। तो परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है उसे हम कह सकते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजक के सहन कर सकता है, उसे पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं किसी, ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र ठीक है, जिसे पदार्थ बिना भंजन ठीक है बिना भंजन के सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, उसे पदार्थ की क्या कहते हैं,
परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, समझ में आ गया? तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा, हमें पता है क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जिसे पदार्थ बिना भंजन के असहन, तो बिना वैद्युत भंजन के, ठीक है? तो यहां भूल गया है, यहां लिख लीजिए बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। तो वैद्युत भंजन क्या होता है या फिर व्यंजन होता क्या है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, ठीक है, जिसे प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक पदार्थ में भंजन होने लगता है, उसे भंजन विभवांतर कहते हैं। तो भंजन का मतलब होता है क्या, एक तरीके से कि भंजन का मतलब होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं हम कि घटना, ठीक है, भंजन होना। समझ में आ रही बात? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो जो डेरिवेशन हम आपको बताएं, आपको उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।